सरोकार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम के दौरान हुआ कंबल का वितरण। बंदर की हत्या कर रस्सी से लटकाया शव, बंदर का शव देखते प्रशासन में मचा हड़कंप। कोरोना वेरिएंट बढ़ने से केंद्र राज्य सरकार हाई अलर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजेशन की नहीं मिली व्यवस्था। रेलवे ठेकेदार की हत्या में शामिल आरोपी गिरफ्तार, 50,000 रुपए का इनामी था आरोपी। बाइक और बस की हुई भिड़ंत, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। जनपद अयोध्या में भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भाजपा कार्यालय पर सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने नगर विकास नगर निकाय चुनाव पर कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही कोई कार्रवाई संभव की जा सकती है। नगर विकास मंत्री ने कहा कि PM मोदी और CM योगी के निर्देश पर सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। फिलहाल वर्तमान में कोविड की परिस्थितियां नियंत्रण में हैं। कोविड को लेकर के कोई भी भविष्यवाणी संभव नहीं है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो नियंत्रण में है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के पूरे प्रशासन को सतर्क कर रहे हैं दिन रात। हम आपको भी सतर्क कर रहे हैं। इस स्थिति में वर्तमान में कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या परिस्थितियां बनती है उसके अनुरूप हम लोग निर्णय लेंगे। खबर अमरोहा से, जहां भाजपा नेता बाबू मसूरी के आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कंबल वितरण कार्यक्रम हुआ है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बरेली मुरादाबाद खंड के शिक्षक विधायक ने गरीबों को कंबल वितरण किया। साथ ही 2019 में CAA को लेकर हुए हिंसा के मामले में 86 दोषियों को संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए 4,27,439 रुपए की वसूली किए जाने के आदेश को लेकर शिक्षक विधायक ने सही करार दिया और कहा कि जिन्होंने प्रदर्शन के नाम पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ यह कार्रवाई सही है। संविधान में बहुत विरोध करने का एक पूरा एजेंडा आपके पास है, आप विरोध करने के बहुत सारे सिस्टम आपके पास है। आप ज्ञापन दे सकते हैं, आप धरने पर शांतिपूर्ण बैठ सकते हैं, आप दूसरा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये किसी ने अधिकार किसी को नहीं दिया कि आप एक देश की संपत्ति को नुकसान करने का काम करें। हमने बहुत सारे आंदोलन किए, हमने भी किए, लेकिन हमने बहुत शालीनता के साथ हम धरने पर बैठते थे, अपना ज्ञापन देते थे प्रशासन को, हमारी आवाज सुनी जाती थी। खबर गाजीपुर से, जहां जम्मू कश्मीर में LG मनोज सिन्हा ने जिले के कई कार्यक्रमों में शिरकत की और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गाजीपुर के सिखड़ी क्षेत्र में स्थित मदन मोहन मालवीय कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नई दिशा नीति को विद्यार्थियों समेत पूरे शिक्षा जगत के लिए बेहतर, महत्वपूर्ण और देश के लिए परिवर्तनकारी बताया। बता दें कि LG मनोज सिन्हा ने बक्सपुर क्षेत्र में स्थित एक निजी आई हॉस्पिटल का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा LG मनोज सिन्हा ने हथियाराम मठ पहुंचकर दर्शन पूजन किया। G20 एक ऐसा समूह है दुनिया का जिसमें दुनिया की 85% आबादी रहती, दुनिया का 75% 3/4 व्यापार यही देश करते। एक ऐसा अवसर मिला है इस देश को जिसमें हम अपने देश की संस्कृति कला को प्रदर्शित कर सकते हैं और आने वाले समय में जो सपना है प्रधानमंत्री का, आप सब जानते हैं कि आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। जिस देश के कभी हम गुलाम हुआ करते थे इंग्लैंड, उसकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए
दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रेवाड़ी कानपुर पाइपलाइन से चोरी के संबंध में HPCL महाराष्ट्र ने दिबियापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक चारू निगम मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सराय पोखरा रोड बॉम्बी के पास से तेल चारी का प्रयास करे तीनों लोगों की घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन, फावड़ा, कुदाल बरामद किया गया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की पाइपलाइन से चोरी की नियत से खुदाई करके चोरी का प्रयास करते हुए पूरा डीप है, 5-6 फीट डीप उसको खोदकर पाइपलाइन में सेंध लगाने का प्रयास किया गया था, जिसकी सूचना HPCL ने तत्काल मुझे दी वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए। इसमें समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। खबर गोंडा से, जहां कोरोना के नए वेरिएंट BF7 बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। गोंडा रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजेशन, मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा नदारद मिली। रेलवे स्टेशन परिसर में सिर्फ GRP सिपाही प्रोटोकॉल का पालन करते मिले और रेलवे परिसर की साफ सफाई की उचित व्यवस्था की गई। लखीमपुर खीरी के अमघट गांव के पास लखीमपुर कस्बा रोड पर एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलट गई। हादसे में बाइक सवार और बस में सवार कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इस इलाज के लिए पास के ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैंट के नीलमथा रेलवे ठेकेदार वीरेन ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या में दोषी एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राजू उर्फ तौहीद पर 50,000 रुपये का इनाम पुलिस अधिकारियों ने घोषित किया था। उन्होंने बताया कि हत्या में शामिल सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फरार एक महिला आरोपी प्रियंका की गिरफ्तारी के संबंध में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल इंटेलिजेंस एवं क्राइम ब्रांच लखनऊ और क्राइम टीम पूर्वी द्वारा संयुक्त प्रयास से आज राजू और तौहीद की गिरफ्तारी की गई है। राजू पर 50,000 का इनाम था। इसके पास से 1 अदद तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अभियोग में शेष प्रियंका की गिरफ्तारी के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही इसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने कोरोना महामारी पर भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सियासी कोरोना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में पहुंच रही है, उनके प्रभावित करने के लिए उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी कोरोना प्रोपोगंडा फैला रही है। सभी सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने RJD नेता अब्दुल कारी सिद्दीकी के बयान पर कहा कि देश हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे। ये कोरोना का जो प्रोपेगेंडा, ये सियासी कोरोना है। असल में ये BJP का सियासी कोरोना है। इस सियासी कोरोना से डर रहे हैं, चूंकि आवाज वो दाखिल हो रहे हैं राहुल गांधी दिल्ली में, तो इन्हें परेशानी हो रही है। खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस को एक बच्चा स्कूल ड्रेस में घूमता मिला है, जिसे पूछताछ में पता चला कि वह बच्चा क्रिसमस मनाने के लिए निकला था, जिसके लिए उसे सेंटा की ड्रेस चाहिए थी। जिसकी जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी ने उसे बच्चे को सेंटा की ड्रेस दिलाई। इसके बाद बच्चे ने बताया कि उसका जन्मदिन भी है, नहीं मनाया जाता है। जिसके बाद थाना प्रभारी ने उसके परिवार को बुलाकर एक बड़ा सा केक मंगवाया, जिसे बच्चे और उसके परिवार के साथ मिलकर केक काटा गया। साथ ही बच्चे को एक गिफ्ट भी भेंट किया गया। खबर सहारनपुर से, जहां पुलिस को SOG के संयुक्त टीम
ने घरों में चाबी बनाने के बहाने चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं SSP सिटी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जी हाँ, CO2 त्रांशु गौतम जी के नेतृत्व में और सदर बाजार थाना प्रभारी ने एक बहुत सराहनीय काम किया है। इसमें एक इंटरस्टेट एक गैंग है, ये गैंग ठगों का है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये रहने वाले सब गुजरात के हैं, दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हैं। ये लोग चाबी बनाने का काम करते हैं, तो ये घर घर जाते थे, चाबी बनाने के नाम पर घर में घुसते थे, एंट्री लेते थे और किसी को चाबी बनाते हुए कभी जब कोई नहीं देख रहा होता था तो उनके यहाँ से कीमती सामान निकाल लिया करते थे। इसी तरह की दो घटनाएं इन्होंने सहारनपुर में करी हैं बीते दिनों, एक कोतवाली देहात में, सदर बाजार में। तो ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए आज सुबह 8:30 बजे रेलवे स्टेशन के पास। खबर कुशीनगर से, जहां पर ग्राम सभा ललीपार निवासी राम कुमार मल, सन ऑफ बाबू राम मल, अपने वाहन से हाटा होते हुए कप्तानगंज जा रहे थे, जहां मथौली के पास पीछे से आ रही अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी में ठोकर मार दी, जिससे हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिसको 108 नंबर की एम्बुलेंस ने नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। ये कप्तानगंज जा रहे थे। किस चीज़ से जा रहे थे? बाइक से, बुलेट से जा रहे थे। हरपुर से पहले मोहम्मदगंज गांव पड़ता है, उसी के समीप टाली 3 दिन से पड़ती हुई है। वो उसके पास कोचिंग पहुंचे, पीछे से गाड़ी आई, कोई मार दिया, उसमें जाकर लड़ गए। टाली पलटी थी, टाली का जो हिचुआ उससे लगा हुआ। खबर अमरोहा से, जहां पर डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जोया में खाली पड़े खंडहर में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बंदर की हत्या करके उसके शव को रस्सी से बांध कर लटका दिया गया, जिसके बाद उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद डिडौली कोतवाली पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। थाना डिडौली क्षेत्र के कस्बा जोया में स्थित चामुंडा मंदिर के पुजारी श्री विनय कुमार तिवारी द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से अवगत कराया कि खंडर नुमा को पुराने कोल्ड स्टोरेज में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक मृत बंदर को फंदे पर लटका दिया गया है, जिसके संबंध में उनका कहना है कि हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मृत बंदर का रात्रि में ही पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से, जहां एक घर में अचानक आग लगने के चलते माँ बेटी गंभीर रूप से आग से झुलस गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया और दोनों माँ बेटी को बाहर निकाला गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मैं तो पानी दे गई हूँ, दोनों तीनों माँ बेटी में नहा दे बेटा है ना, बस सब रह चले गए हैं, बस वही तीनों माँ बेटी है भैया। नहाने को खुशी है, अब पता ही ना भैया कैसे लगे है। मोटर पन्ने से, मोटर किस तरीके से फट गई, क्या हुआ था? पता नहीं कैसे फट गई, अचानक मैं तो तैयार हो रहा था अंदर। कितने बजे की घटना है जो होगी? आज 9:45 बजे करीब। कोई इसमें गलती गया क्या? हमें दोनों बहन और मम्मी। दुनिया भर में आज 25 दिसंबर का दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस दिन को खास बनाने के लिए लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं लखनऊ में आज क्रिसमस की काफ़ी धूम रही और लोग अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने चर्च पहुंचे। वहीं सहारनपुर में भी सेंट थॉमस चर्च में क्रिसमस डे मनाया गया, जिसके चर्च में आने वाले लोगों ने मोमबत्ती जलाकर प्रभु यीशु से प्रार्थना की और सेंट थॉमस चर्च के फादर संजय थॉमस ने बताया कि किस तरह से प्रभु यीशु दुनिया में अवतार लेकर आए, जग में फैली बुराइयों को नष्ट करने के साथ साथ शांति का उपदेश दिया। मेरा नाम फादर संजय बिल सिंह है, सेंट थॉमस चर्च सहारनपुर में हम लोग हैं और आज जैसा कि क्रिसमस का समय है, बड़ा दिन जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन है और सभी लोग आज पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह के आज से 2022 वर्ष पूर्व जो वो पृथ्वी पर आए, मनुष्य रूप लिया, उसके आनंद को मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है हम सब के लिए विशेष महत्व को रखने वाला जन्म है, क्योंकि उन्होंने इस संसार में आकर हम सब मनुष्यों को पाप से छुटकारा दिया, हम सब मनुष्यों को जीवन दिया और साथ ही साथ स्वर्ग के द्वार को खोल दिया और हम सब मनुष्यों को मृत्यु से उद्धार दिया। हम जो पाप में चले जा रहे थे,
हम मनुष्यों को, अब जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, बाइबल इस प्रकार बताती है। हरदोई से, जहां ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही में गौशाला में एक गौवंश की मलबे में दबकर मौत हो गई है, वहीं दूसरा गौवंश मलबे में दबकर घायल हो गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम सदर से की है। वहीं मामले की जानकारी लेते हुए एसडीएम सदर ने तुरंत जांच टीम को भेजा और मौके का मुआयना करवाया, जहां टीम ने चारा पानी आदि की अनियमितता पाई गई है, जिसके बाद टीम को उचित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी, प्रभारी खंड विकास अधिकारी समेत थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, साथ ही आईएस के मुताबिक सचिव को व्यवस्था सुधारने को कहा। खबर सुल्तानपुर से, जहां सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह प्रकाश उत्सव के मद्देनजर साप्ताहिक कार्यक्रम मनाया जाएगा। पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे पर सबद कीर्तन का आयोजन हुआ। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के पज प्यारो की अगुवाई में कीर्तन जत्था शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ देर शाम वापस गुरुद्वारे पहुंचकर समाप्त हुआ। जगह जगह लंगर का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। खबर प्रयागराज से है, जहां नैनी शिशु यीशु दरबार चर्च नैनी बड़ा दिन मानव मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं इस अवसर पर परमेश्वर की प्रार्थना आराधना तथा मसीह गीत का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना से हुई। मसीहा के गैदरिंग, मसीहा का इकट्ठा होना लोगों को, मसीह का जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने वालों को क्रिसमस कहते हैं, और क्रिसमस एक मात्र परमेश्वर का संदेश है। ये कोई रिलीजियस त्यौहार नहीं है, इसको रिलीजियस त्यौहार के रूप में मनाने की आवश्यकता नहीं है। ये परमेश्वर का संदेश है दुनिया के लिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया मनुष्य बनाकर, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। खबर लखनऊ से, जहां भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल कार्यालय लोक भवन पर डायनेमिक फसाद लाइट का लोकार्पण हुआ, और इस मौके पर लाइट एंड साउंड इवेंट में अटल जी की लिखी 3 कविताओं का प्रदर्शन भी किया गया। बता दें कि इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी की छवि का माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।